दोस्तों द फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूँ एकता अरोड़ा, आपके लगातार संपर्क में हम बने हुए हैं। सच्चाई के जो फैक्ट है आपसे रूबरू करवा रहे हैं। आखिर लोग डेरा सच्चा सौदा को आज भी क्यों मान रहे हैं? गुरु जी बाबा राम रहीम जी इनके बीच में नहीं है, ये लोगों का आना जाना वैसे ही लगा हुआ है। इनका विश्वास, इनकी आस्था, ये सारे सवालों के जवाब हम इनसे मांगते हैं। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम रति देवी है। मैडम आप डेरा से कब से जुड़े हुए हो? मैं 2002 से। आप इतने लंबे समय से डेरा आ रहे हो, कभी गलत होते हुए आपने कभी देखा यहाँ पे? जी नहीं मैडम, बिल्कुल भी नहीं। हमारे गुरुजी के बारे में ये सारी झूठी अफवाहें फैला रखी है और हमारे गुरुजी ने हमारे ऊपर इतने परोपकार किए हुए हैं कि हम बता नहीं सकते। हमारे ऊपर इतनी रहमत लुटा रखी है गुरुजी ने, हम कभी भी एक सांस भी गुरुजी को भूल नहीं सकते, कभी भी पूरी। क्या क्या कार्य सिखाए आपको, क्या सिखाया गुरुजी ने? हमें अच्छे अच्छे संस्कार दिए हैं गुरुजी ने, अच्छे सच्चाई के राह पर चलना बताया है और लोगों की मदद करना सिखाया है। एक दूसरे के लिए इंसान इंसानियत के रास्ते पर चल के हम सभी के काम आए, ऐसा काम करना सिखाया है गुरुजी ने हमें। तो आगे भी आप ऐसे ही काम करते रहोगे? यस मैडम, हम जब तक जिएंगे, जब तक हमारी जिंदगी, हम ऐसे ही करते रहेंगे मैडम। तो अंदर का कैसा अनुशासन रहेगा, जैसे बहुत ज्यादा संख्या में भाई लोग भी है, बहने भी है, तो अंदर का कैसा इन्वायरमेंट है? मैडम यहाँ पे इतना अनुशासन रहता है कि इससे ज्यादा हमने कहीं देखा ही नहीं है आज तक। हम गुरुजी की शिक्षा पर बताए, एक एक इंसान गुरुजी की बातों को मानता है और गुरुजी की शिक्षा पर चलता है, ऐसा कोई भी नहीं देखा हमने संगत में कि कोई कहना नहीं मान रहा हो। पूरी जगह कहीं भी सत्संग हो गुरुजी का, सब ऐसे अनुशासन में रहते हैं कि एक आवाज़ के ऊपर सब शांत हो जाते हैं और सब एकदम चुप, साइलेंट। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे, जो बाहर के लोग, लड़कियां जो सहमी हुई हैं कि डेरा की जो उनके यो एक परछाई बनी हुई है, वो गलत तरीके में बनी हुई है, आप उनको बताएं कि क्या आखिर डेरा क्या चीज़ है? डेरा हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है। यहाँ पे आप आओगे ना तो आपका यकीन इतना बढ़िया हो जाएगा और आप, मैं यूँ कहूँ, जिंदगी में कुछ भी नहीं थे, इतनी ऊंचाई पर चढ़ जाओगे, इतनी ऊंचाई पर गुरुजी की शिक्षा पर चलते हुए हम पहुंच जाते हैं। इतने अच्छे हमें मतलब शिक्षा दी है गुरुजी ने कि हम इंसान काम आता है, किसी का बुरा नहीं कर सकते हम यहाँ पे आके, और किसी की भलाई के लिए चाहे अपनी जान भी जाए तो भी हम आगे तैयार रहते हैं। सरकार से क्या मांग करना चाहोगे गुरुजी? सरकार से हम ये मांग करना चाहेंगे कि हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी रिहा करो जी, और जल्दी से जल्दी भेजो यहाँ पे हमारे। दोस्तों ये है इन लोगों की मांग, ये है इन लोगों की पुकार अपने गुरु के लिए। डेरा सच्चा सौदा की संस्था है जो वहाँ पे लोग आज भी बहुत भारी संख्या में आए हुए हैं। आप लोगों की इन लोगों के बारे में क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। धन्यवाद।